हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। ये जो ड्रेस है हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए अब ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने 3 फैब्रिक के पीसेस कट कर लिए है। आप देखिए, जो छोटे वाले फैब्रिक के पीसेस से हम चोली तैयार करेंगे, तो यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई 3 इंच की है और इसकी चौड़ाई भी यहाँ पर 3 इंच की है। दोनों फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमने सेम ही रखी है। और देखिए, जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है इसकी लंबाई यहाँ पर 50 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 5.5 इंच की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चोली के फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। ये हमारे फैब्रिक की उल्टी साइड है और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसे नीचे की साइड से फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को आपको नीचे की साइड से डबल फोल्ड करना है अंदर की ओर और स्टिच लगाकर इसके ऊपर फिनिशिंग देनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी साइड की फिनिशिंग। एक बार साइड की फिनिशिंग होने के बाद दोनों साइड से भी हमें इसे अंदर की ओर डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग देनी है। तो चलिए अब दोनों साइड से और नीचे की ओर हम इसे फिनिशिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर हमने दोनों साइड से और साथ ही साथ नीचे के साइड से भी फिनिशिंग दे दी है डबल फोल्ड करते हुए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फैब्रिक बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पर प्लीट्स डालने के लिए आपको फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करना है। सीधी साइड प्लेस करने के बाद फैब्रिक को आपको ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ पर हमारी पहली प्लीट बनकर तैयार है। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक में आपको बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लीट्स डालनी है और देखिए, ऊपर से आपको स्टिच लगाकर इन्हें पक्का भी करना है। तो चलिए अब इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक में प्लीट्स डालते ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर हमने प्लीट्स डाल ली है, आप देख सकते हैं। और प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए, एक बार प्लीट्स लगाने के बाद यहाँ पर कमर का घेरा आपको 7 नंबर के कान्हा जी के लिए चेंज कर रखना है। तो यहाँ पर फैब्रिक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऊपर की साइड बेल्ट लगाएंगे और साथ ही इसमें डोरी भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई देखिए, जितनी भी आपकी कमर की लंबाई आएगी उसमें 2 इंच ऐड करके हम लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने रखी है 3 इंच की। अब बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम ड्रेस को उल्टी साइड प्लेस करेंगे इस तरह से। और देखिए, यहाँ पर अब आपको बेल्ट को लेना है। बेल्ट को यहाँ पर हम बीच में से फोल्ड करेंगे, एकदम बीच में से फोल्ड करना है इस तरह से। और देखिए, यहाँ पर कमर के ऊपर इसे इस तरह से प्लेस करेंगे। दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ देना है आपको, जो कि हम बाद में इसमें फिनिशिंग देंगे। और इस तरह से प्लेस करते हुए हम ऊपर से इसमें स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर स्टिच लगानी है आपको और फिर बेल्ट को हम पलटा लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब ड्रेस को इस तरह से सीधी साइड निकाल लेंगे तो बेल्ट ऊपर की ओर आएगा। अब देखिए, दोनों साइड का जो ये 1-1 इंच छोड़ा है इसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करना है आपको। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अब हम डोरी को प्लेस करेंगे। इस साइड हल्की से डोरी छोड़ दीजिए और फिर ऊपर के बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर से स्टिच लगाकर इसे पक्का करना है। यहाँ पर हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। ये आगे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा और पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बॉटम पार्ट को साइड में रख देंगे और हम चोली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए हमने चोली के फैब्रिक को ले लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से और फिर इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बीच में से फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे की साइड से ऊपर की ओर यहाँ पर देखिए तिरछे में यहाँ पर कट लगाना है हमें। कट करना है यहाँ पर, ऊपर से आप 1/2 इंच लीजिए, उससे ज़्यादा ना लीजिए। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब दोनों फैब्रिक को हम एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर होनी चाहिए, उल्टी साइड बाहर की ओर। और फिर साइड से हम 1/2 इंच पर स्टिच लगाकर इसमें पक्का करेंगे इसे। तो यहाँ पर फैब्रिक के दोनों साइड हमने 1/2 इंच पर स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हल्का हल्का फैब्रिक हम कट करेंगे, बहुत ही हल्का हल्का कट कीजिए इस तरह से। और देखिए, जो नीचे की ओपन साइड है यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकालेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने सीधी साइड निकाल लिया है। सीधी साइड निकालने के बाद फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ऊपर की साइड हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई हमने रखी है 6 इंच की लंबाई किस तरह से लेनी है। जितना भी देखिए बॉटम पार्ट के कमर का घेरा आएगा उतनी ही लंबाई लेनी है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने रखी है 2.5 इंच की। सबसे पहले यहाँ पर बेल्ट को हम बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और चोली के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। चोली यहाँ पर उल्टी साइड रहेगी, इस तरह से प्लेस करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर स्टिच लगाकर इसे हमें पक्का करना है और फिर हम बेल्ट को पलटा लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब देखिए, इस तरह से बेल्ट को ऊपर की साइड निकाल लेंगे, ठीक है। और देखिए, दोनों साइड से बेल्ट को आपको 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग आ जाए इस तरह से। फिर यहाँ पर हम डोरी लेंगे
डोरी को इस तरह से प्लेस कर देना है और फिर ऊपर से बेल्ट को आपको फोल्ड कर देना है। जिस तरह से हमने बॉटम पार्ट में बेल्ट को लगाया बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। इस तरह से फोल्ड करके बेल्ट को प्लेस करेंगे और स्टिच लगाकर इसे भी यहाँ पर हम पक्का करेंगे। यहाँ पर हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट और चोली दोनों हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है। अब चाहे तो आप इन दोनों को एक साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली प्लेस कीजिए हमारे बॉटम पार्ट को चोली के ऊपर और यहाँ पर स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लीजिए, या फिर चाहे तो इन्हें सेपरेट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं सेपरेट ही रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारा पूरा ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी से लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को चोली पहनाएंगे। तो देखिए चोली इस तरह से आएगी ऑफ शोल्डर में और पीछे की साइड हम इसे बांध लेंगे, ठीक है। इसे बांध लीजिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। इस तरह से चोली हमने पहना ली है। अब बॉटम पार्ट पहनाना तो बहुत ही आसान है। सिंपली इस तरह से इसे भी पीछे की साइड बांध लीजिए इस तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा डोरी होगी उसे अंदर की ओर इस तरह से डाल लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा ड्रेस, और देखिए आगे की साइड कुछ इस तरह से ये लुक आएगा। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका, और ये कॉटन का है तो समर में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आप ये ड्रेस जरूर ट्राई कीजिए अपने लड्डू गोपाल जी को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री होता है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।